Assalamualaikum everyone. Today we discuss properties of sets. First property is commutative property, and here we discuss commutative property according to union and intersection. First of all, we will discuss commutative property according to union, that is A union B equal to B union A. कमोटेटिव प्रॉपर्टी असल में होती है कि अगर आप सेट्स की जगह चेंज भी करते हैं, पहले ए लिखें या बाद में बी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ए और बी का यूनियन लें या बी और ए का यूनियन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे. तो ए हमने ले लिया यहाँ पे, कंसिडर किया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, और बी कंसिडर किया हमने फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. इनका जब यूनियन लेंगे तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आएंगे. इसी तरीके से जब बी और ए का यूनियन दिया है तो पहले बी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर ए सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं. उनका यूनियन भी क्या आएगा? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. नाउ वी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम के जरिए जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो ए और बी जो है, पहले हम ओवरलैपिंग सेट के अकॉर्डिंग इंक्लूड फिगर्स को लिखेंगे. रेक्टेंगल शेप बनानी है आपने वेन डायग्राम में, और उसको यू से रिप्रेजेंट करना है. फिर उसके दरमियान क्योंकि दो सेट्स हैं तो दो क्लोज फिगर्स ले लेनी है, ए और बी. और क्योंकि हमारे पास ए और बी का यूनियन जो है वो तमाम सेट्स आ रहे हैं, तो ए को भी हम हाईलाइट करेंगे, बी को भी हाईलाइट करेंगे. तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया. हेयर वी रिप्रेजेंटेड इंटरसेक्शन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन. तो कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग ये होता है कि इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. यहाँ पे भी सेम वही बात है कि अगर आप जगह चेंज भी कर दें कि ए और बी का इंटरसेक्शन लें या बी और ए का इंटरसेक्शन लें, देर इज डजंट मैटर एट ऑल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर पे सेम आता है. तो ए हमने वही एग्जांपल ली है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिए हैं, बी पहले 5 प्राइम नंबर्स लिए हैं. जब इनका इंटरसेक्शन लिया तो 2, 3, 5, 7 9 आएगा, जो कि दोनों सेट्स में है. ए और बी दोनों सेट में जो एलिमेंट्स थे वो थे 2, 3, 5, 7 और 9. इसी तरीके से बी और ए का इंटरसेक्शन लेना है. बस ये जहन में रखिएगा कि जब आप बी और ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो पहले बी सेट के एलिमेंट्स आएंगे और फिर ए सेट के एलिमेंट आएंगे. तो यहाँ पे भी इनका इंटरसेक्शन 2, 3, 5, 7, 9 आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल आ गया है. आप इसको वेन डायग्राम से जब रिप्रेजेंट करेंगे, ओवरलैपिंग सेट हैं, ओवरलैपिंग सेट के अकॉर्डिंग हमने क्लोज फिगर्स बना दी हैं, और इनका जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो कौन सा आएगा, दोनों में एक जैसा है. तो ये हमने हाईलाइट कर दिया है, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. नाउ वी डिस्कस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द यूनियन. तो उसमें क्या है कि ब्रैकेट्स चेंज हो रही है. देखिए वहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा था, इधर ब्रैकेट्स चेंज हो रही है. कि अगर पहले आप बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लें, यूनियन लें सॉरी, और उसका यूनियन ए के साथ लें, और राइट हैंड साइड पे ये है कि ए और बी का पहले यूनियन लें और फिर उसका यूनियन सी के साथ लें, तो कोई फ़र्क आंसर पे नहीं पड़ता. यहाँ पे ब्रैकेट्स की जो तरतीब है वो चेंज है. पहले आखिरी दो सेट्स के ऊपर ब्रैकेट्स हैं, फिर पहले दो सेट्स के ऊपर ब्रैकेट्स हैं. ठीक है जी. एग्जाम्पल हमने कंसिडर की, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, बी में फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं, सी में फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं. तो इनमें हमने ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द यूनियन शो करनी है. हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें पहले हम बी यूनियन सी लेंगे. तो ये हमारे पास यूनियन आ गया, 2 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं सारे. और फिर उसका यूनियन जब ए के साथ लिया तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आ गए हमारे पास. राइट हैंड साइड हमने ली, ए और बी का यूनियन लिया तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आ गए. जब ए और सी का यूनियन लिया, सॉरी इसका यूनियन जब सी के साथ लेंगे, तो वो हमारे पास वो भी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ही आ जाएगा. हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है, दोनों साइड्स हमने कंप्लीट कर ली हैं. इसको अगर हम वेन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग करें तो क्योंकि ओवरलैपिंग सेट हैं तीनों, ए और बी और सी तीनों ओवरलैप कर रहे हैं आपस में. ठीक है, तो ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग हमने तीन सेट्स के लिए ऐसी डायग्राम बनानी है. और यूनियन में हमें पता है कि तमाम सेट्स को हम हाईलाइट कर देते हैं, ए को भी, बी को भी, सी को भी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आपके आ जाते होते हैं ना. यूनियन में हमारे ये होता है कि हम सारे एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं. तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स के अकॉर्डिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वेन डायग्राम है. नाउ वी डिस्कस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन. तो सब इसमें भी ब्रैकेट्स का ही काम है, और हमने कुछ नहीं किया कि पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लें, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ए के साथ आपने लेना है. और राइट हैंड साइड भी है कि पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें और फिर तीसरे का इंटरसेक्शन लें, तो आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता. ए बी और सी हमने सेट्स वही सेम एग्जाम्पल लिए, ए में फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिए हैं, बी में फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लिए हैं, सी में फर्स्ट 5 इवन नंबर्स लिए हैं. तो ये हम शो करना चाह रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. पहले हमने बी और सी का इंटरसेक्शन लिया तो 2 आ गया, फिर उसका इंटरसेक्शन जब ए के साथ लेंगे तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा, क्योंकि वही कॉमन है. राइट हैंड साइड लेंगे जी, राइट हैंड साइड में पहले हमने ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो 2, 3, 5, 7, 9 आ गया. उसका जब सी के साथ इंटरसेक्शन लिया तो वो 2 आ गया. नाउ वी प्रूव्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन. अब वेन डायग्राम हमने ली है. देखिए इसमें भी सेट्स क्योंकि ओवरलैप कर रहे थे तो ओवरलैपिंग के लिए क्लोज फिगर्स तो इसी तरीके से बनेंगी. अब नेक्स्ट काम आपने ध्यान से रखना है. ठीक है, देखिए बी और सी का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन लें तो बी और सी का इंटरसेक्शन ये पोर्शन आएगा.
ठीक है, बी और सी का इंटरसेक्शन। जब बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ जब ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसके साथ सिर्फ ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये कॉमन आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपको डायरेक्ट भी वेन डायग्राम बनानी पड़े आप बना सकते हैं, ठीक है, वेन आप बेशक सेट्स के अकॉर्डिंग प्रूव नहीं करना चाहते तो आप वेन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग भी सिर्फ कर सकते हैं कि बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। जो बी और सी का इंटरसेक्शन है उसको हाईलाइट करते हैं, वो ये पोर्शन आ रहे हैं, ठीक है जी। और उस में से जब आपने ए का इंटरसेक्शन लेना तो फिर ये हाईलाइटेड पोर्शन आपका इस सेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। नाउ वी डिस्कस आइडेंटिटी फाई यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन फाई इक्वल टू फाई, कि ए का यूनियन अगर आप सॉरी आइडेंटिटी यूनियन के लिए होता है एंड यूनियन फाइ इक्वल टू ए। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स की, उसका जब यूनियन हमने फाइ के साथ दिया, खाली सेट के साथ जब उसका यूनियन लेंगे तो वो सेट खुद ही आ जाएगा, तो फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स आ गए। इसको हमने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग करना है तो फिर ये हमारे पास हाईलाइटेड पोर्शन ए सेट का ही आएगा। नाउ वी रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन फॉर द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसमें ए इंटरसेक्शन फाइ इक्वल टू फाइ होता है। तो इसमें हमने फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स की एग्जांपल दे दी, उसका जब इंटरसेक्शन खाली सेट के साथ देंगे तो खाली सेट ही आएगा। इसमें वेन डायग्राम को किसी भी पोर्शन से किसी भी चीज़ से हाईलाइट नहीं करते, इसी तरीके से ये आ जाती है वेन डायग्राम इंटरसेक्शन फाइव की इक्वल टू फाइव। नाउ वी डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरह की है। पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का यह मतलब है कि पहले यूनियन आएगा और फिर इंटरसेक्शन आएगा। किस तरीके से? कि ए यूनियन और ब्रैकेट्स में बी इंटरसेक्शन सी है। खोलने का इसका ये तरीका है क्योंकि ए यूनियन बाहर है तो ए यूनियन पहले बी के साथ जाएगा, फिर ए यूनियन सी के साथ जाएगा और दरमियान में क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। सेम एग्जाम्पल हमने जो सेटअप में ली थी वही तीन सेट्स लिए हैं हमने। ए में से टेन नेचुरल नंबर्स लिए हैं, बी में फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स लिए हैं और सी में फर्स्ट फाइव इवन नंबर्स लिए हैं। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन शो करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ब्रैकेट में देखें बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे वो टू आ गया। उसका यूनियन जब ए के साथ लेंगे तो फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स ही आ जाएंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द राइट हैंड साइड, दैट इज ए यूनियन बी। तो पहले हम क्योंकि ब्रैकेट में देखें ना ए यूनियन बी है, पहले वो कैलकुलेट करेंगे, फिर ए यूनियन सी करेंगे और उसके बाद उन दोनों का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए यूनियन बी हमने लिया, फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स आ गए। ए यूनियन सी लिया, वो भी फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स आ गए। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स आ गए। बोथ साइड्स आर इक्वल। नाउ वी रिप्रेजेंटेड इट इन वेन डायग्राम। तो देखें आपका क्या था, बी और सी का इंटरसेक्शन। देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन ये पोर्शन आ रहा है, ये वाला बी और सी का इंटरसेक्शन। जब इसका यूनियन ए के साथ लेंगे तो ए तो पूरा ही आएगा और साथ ही वो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी आएगा। तो ये हमने इस तरीके से इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हाईलाइट किया है। वेन डायग्राम बनाई हमने वैसी ही जैसे सेटअप में बनाई थी, क्लोज फिगर्स थी, ए बी और सी की सारी जो थी ओवरलैपिंग थी वो हमने इसी तरीके से बनाई है। सिर्फ काम मेन जो था वो समझने वाला ये था कि जब हमने बी और सी का इंटरसेक्शन, एक साइड की जो डायग्राम बनेगी दूसरे की भी वही बनती है, इसलिए आप आसान वाली साइड कंसिडर करके उसको जेन में सोच के वेन डायग्राम बनाएं तो बहुत आसानी से बन जाएगी। बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन आ रहा था, उसका जब यूनियन आपने ए के साथ लिया तो ए वाला तो सारा ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ वी आर मूविंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन में ओवर यूनियन में क्या है कि पहले आपने ए इंटरसेक्शन लेना है और ब्रैकेट में बी यूनियन सी लेना है। खोलने का क्या तरीका है कि ए इंटरसेक्शन बाहर है तो वो ए इंटरसेक्शन बी एक दफ़ा आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी आएगा और दरमियान में यूनियन आएगा। तो वही तीन सेट्स लिए हैं हमने। पहले हम बी यूनियन सी लिख लेंगे, बी यूनियन सी हमने तमाम एलिमेंट्स को मिला के लिख दिया। उसका जब इंटरसेक्शन ए के साथ लिया तो टू से लेकर टेन तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर हमने राइट हैंड साइड ली, उसमें हमने राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लिया और जब इन दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास टू से टेन तक एलिमेंट्स आ गए। अब दोनों साइडें बराबर हो गई हैं। नाउ वी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हमने किया क्या है, बी और सी का यूनियन लिया है। जब पहले बी और सी का यूनियन लिया तो बी भी सारा आएगा, सी भी सारा आएगा, लेकिन क्योंकि हमने फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो वो जो इनके दरमियान में बी और सी के दरमियान में जो बी और सी का यूनियन जो हमने लिया है उसके साथ जो कॉमन पोर्शन है ए का वो सिर्फ ये वाला है जो हाईलाइटेड है, ठीक है। बी और सी का जब यूनियन लिया तो सारा बी भी आया, सारा सी भी आया, लेकिन जो ए के साथ इंटरसेक्शन है वो सिर्फ इतना पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, ये सारा आएगा। देखें ए बी यूनियन सी में बी वाला भी सारा था, सी वाला भी सारा था। तो जब हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये कंबाइन पोर्शन बी का जो ए में है और जो सी का ए में है, ये सारा जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के सेट में आएगा।